तैयार है। मैं डॉली सिंह लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ किचन से, जहाँ माँ ने दो बेकसूर अंडों का ऑमलेट के नाम पे सत्यानाश कर दिया है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं? तू मेरी बेइज्जती कर रही है, वो भी एक कांटे के साथ। नहीं माँ, पता है हमारे स्कूल के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ने एक न्यूज टीम बनाई है, उसे मैं आज ज्वाइन कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुझे पता है एक जमाने में मैं भी अपने कॉलेज के लिए रिपोर्टिंग किया करती थी। आर्या कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के न्यूज टीम में। तुम लोग कितने फनी हो, लगता है तुम लोगों ने ये पहले भी सुना है। मैं ना बड़े स्टाइल से साइन ऑफ किया करती थी कुछ ऐसे, मैं हूँ हिमानी बत्रा जिसका दूसरा नाम है खतरा। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, मसाला ऑमलेट। मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। अगर पापा भी नहीं खा रहे तो सोचो ये ऑमलेट कितना लाजवाब होगा। जूते जूते देखे किसी ने मेरे? निकी से पूछो। तो मिस निकिता सिंह, क्या आप जानती हैं कि आपके पापा के जूतों से बदबू आती है? तो देखा, बच्चों से सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। मैं हूँ डॉली सिंह। और मैं हूँ हिमानी सिंह। माँ के सिर पे काटा है जिसका दूसरा नाम है खतरा। हाय डॉली। हाय डॉली, हमारे साथ बैठने आई हो? मम्मी तुम कितने फनी हो। यार रोहन, मुझे डॉली का जोक समझ में नहीं आया। यार मुझे डॉली के सारे जोक समझ में नहीं आते। हे, वो दर्पण चौधरी है क्या? हाँ शायद वही है। लेकिन दर्पण चौधरी कौन है? हमें ना पीजी क्लास में साथ पढ़ते थे, बहुत ही कूल लड़का था, एकदम स्टट टाइप, लंबी पोनीटेल और सब। और फिर एक दिन पर तूने उसकी पोनीटेल क्यों काटी? यार मैं क्या करता, उस दिन पहली बार मैंने एक कैची देखी और मैडम मुझे कुछ काटने नहीं दे रही थी, वो मेरे सामने बैठा था तो बस। पर तुझे क्या लगता है उसे वो सब अभी भी याद होगा? अरे क्या बात कर रहा है, ऐसा मत बोल यार। देख देख इस तरफ आ रहा है वो। हाँ यार तू पीछे भी मुड़ सकता था। ओके एवरीवन, वेलकम टू द डॉन बॉस्को मॉडल स्कूल जर्नलिज्म डिपार्टमेंट न्यूज टीम। मैं इसे शॉर्ट में DBMSJDNT बुलाता हूँ। मैं हूँ रवि, DBMSJDNT का एडिटर। सॉरी, मुझे मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। वो क्या है कि मैं साइकिल से गिर पड़ा और मैंने अपनी गर्दन तोड़ दी फिर से। कौन ऐसा? तुम हसी क्यों? नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। तुम किस बारे में सोच रही थी? जब तुमने अपनी गर्दन पहली बार तोड़ी थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ था मैं? Yes, तुम में से एक स्टूडेंट को एक शानदार मौका मिलने वाला है। खबरदार न्यूज टीवी चैनल एक यंग रिपोर्टर की तलाश में है फ्री इंटर्नशिप के लिए, और इस रिपोर्टर को टीवी पे भी आने का मौका मिलेगा। जिसे भी यह मौका चाहिए वो फ्राइडे तक एक दो मिनट की मसालेदार जबरदस्त सनसनीखेज खबर लाके मुझे दे दे, और मैं DBMSJDNT का एडिटर इस खबर को उन तक पहुंचा दूंगा। चलो अभी काम पर लग जाओ, बाय। डॉली ना? हाँ जी। डॉली तुम DBMSJDNT में नहीं लगती हो। हाँ जी। देखो डॉली, DBMSJDNT में जितनी भी लड़कियां हैं सब मुझ पे मरती हैं, इसलिए एक मुफ्त की सलाह देता हूं, मुझ पे फिदा मत होना। हाँ जी।
बाद में मिलते हैं। अवतार जी, अवतार जी, एक बहुत अच्छी खबर है। अजीत टडानी ने हमें डिनर पे बुलाया है अपने क्लब में। पर ये अजीत टडानी है कौन? अजीत टडानी मेरे हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसके बारे में हमेशा बात करती रहती हूँ और मैं हमेशा ध्यान से सुनता रहता हूँ। मैं सोच रही हूँ कि डिनर पर अपना ब्राइट मैजेंटा सूट पहनूंगी, जिसमें लोग हमेशा मुझे डॉली की बहन समझते हैं। क्या बात कर रही हो हिमानी, कोई भी तुम्हें हाँ, मुझे वो ड्रेस बहुत पसंद है। और मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए ना नए जूते खरीदूं। अवतार जी, आप अपना सूट जरूर ट्राई कर लेना। क्यों? अरे हमारी सगाई का है, तब से आप शायद थोड़े से हेल्दी हो गए हो। अच्छा, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं मोटा हो गया हूँ? अवतार जी, आप कितने समझदार हो। हाय रोहन। दर्पण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें याद है, हम केजी क्लास में एक साथ पढ़ते थे। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बात को काफी साल हो गए ना। कौन सा केजी, सीनियर या जूनियर? बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? ये, मैं तुम्हारे बाल काटने आया हूँ। तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मैं अपने बाल सिर्फ नवाब हेयरडेसर से कटवाऊंगा। लेकिन अब नहीं कटवाओगे। क्या मतलब? मतलब कि बाल बचेंगे तभी तो कटवाओगे ना। या यार, इस सोफे पे हमेशा मुझे बुरे सपने क्यों आते हैं? 5 मिनट और। डॉली, आखिर तो मेरे पास आकर बैठी गई। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम हो। और ये तुमने क्या पहन रखा है? ये सब मैंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि इसने ये पहना है। रोहन, तुम भी? पोपी तो हमेशा से अजीब था, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? मेरा नाम मत लो, वो सुन लेगा। किसने सोचा था कि एक छोटी सी पोनीटेल आदमी को गंजा बना सकती है। मुझे सचमुच इस कॉफी शॉप से दूर रहना चाहिए। अरे डॉली, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। रोहन ने केजी में दर्पण की पोनीटेल काटी और दर्पण ने सपने में रोहन को गंजा कर दिया। वो भी दोपहर के सपनों में। वो सपने जो हंसी, खुशी और प्यार से भरे होते हैं, उससे नहीं। आई एम सॉरी कि तुम ठीक से सो नहीं पाए, लेकिन मेरी एक असली प्रॉब्लम है। मुझे फ्राइडे तक एक धमाकेदार न्यूज स्टोरी ढूंढनी है। मेरा टीवी पे आने का चांस है। तुम्हें न्यूज स्टोरी चाहिए तो प्लीज ये पता लगाओ कि इस बर्गर में चिकन कहां से आता है, चबाया ही नहीं जाता। एक मिनट, ये तो एक अच्छा आइडिया है। मैं पता लगाऊंगी इस चिकन की असली कहानी। ये गंदा सड़ा हुआ बदबूदार चिकन मुझे खबरदार टीवी पे स्टार बना देगा। क्या हुआ? अरे हिमानी, कोई जूते मिले? कोई जूते? कोई मेरे जूते तो देखो। क्या जूते मिले अवतार जी? अरे वाह हिमानी, क्या बात है। और कीमत सिर्फ 8,000 रुपए। शांति रखो जी, डिनर के बाद मैं वापस दे दूंगी। समझो कि एक रात के लिए मैंने किराए पर लिए हैं। जैसे कि कोई लाइब्रेरी से किताब लेते हैं, बिल संभाल के रखा है मैंने, कह दूंगी फिट नहीं हुए हैं। वैसे ये मेरे पैरों पे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हिमानी, एक बार पहने हुए जूते कोई दुकानदार वापस नहीं लेगा। अरे अवतार जी लेगा, मैं जूतों के नीचे टेप लगा दूंगी, कोई निशानी नहीं पड़ेगा। हिमानी, ये सब सीखा कहां से तुमने? कॉलेज में कई बार ये पैतरे मैंने इस्तेमाल किए हैं। जब जेब में पैसे नहीं होते थे ना, तब
सोचा था कि शादी के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ चार चार बच्चों के बाद वापस वही हाल है। हिमानी, ये गलत नहीं है। तो 8,000 रुपए दे दी? मैं टेप लेकर आया। तो तुमने केजी में किसी पप्पू की छोटी काट दी और तुम्हें अभी डर लग रहा है? यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करूं? शायद मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि उसकी छोटी फिर से काट दो। पता तो चले बॉस कौन है। तो क्या कहते हो लड़कों, पापा क्लब में डिनर के लिए तैयार है? पता नहीं, पहले अपने जैकेट का बटन बंद करो। ये तो नहीं हो पाएंगे। मतलब आपके पैंट का बटन बंद करना भी नामुमकिन है। सही कहा। अवतार जी आया। वो, अरे अरे ये क्या हो तुम्हें? वो ना जूतों के नीचे टेप लगाई है ना, इसीलिए फिसल रहे हैं। तुम अपने जूते बदल क्यों नहीं लेती? हाँ, और अपनी सारी मेहनत बेकार कर दूं। कैसा लगेगा कोई लाखों रुपए पे करके क्लब का मेंबर बने और फिर मम्मी पापा ऐसे एंट्री मारे। मैं हूँ हमारे मोहल्ले की पॉपुलर कॉफी शॉप अंकल्स कैफे में, और आज मैं पूछने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। बर्गर में जो चिकन है, क्या वो चिकन ही है? सच्चाई पता लगाने के लिए मैं मिली अंकल्स कैफे के मालिक मिस्टर अंकल से, जिनसे मैंने पूछे कुछ कड़वे सवाल। अब तक अच्छा है ना? तो अंकल जी, सबसे पहला सवाल, क्या है इस चिकन का राज? राज जी, मेरी मम्मी जी की लाजवाब रेसिपी है जी। अच्छा, तो आपको इतना पसीना क्यों आ रहा? ओ जी, एसी खराब हो गया जी, लेकिन 2 दिन तक फिक्स हो जाएगा जी। थैंक यू। क्या हो सकता है कि आप डर रहे हो कि आपका पर्दा फाश होने वाला है? बताइए अंकल जी, ये क्या है? ये चिकन असल में क्या है? चिकन तो चिकन ही है जी, ये टीवी पे कब आएगा जी? क्या ये सचमुच चिकन है या फिर कुछ और? क्या इस चिकन का राज सचमुच एक राज है? मैं हूँ डॉली सिंह और मैं हूँ आपकी आवाज। कैसे लगी स्टोरी? मैं नहीं भेज सकता। पर क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई सच्चाई है ना कोई सबूत है। सॉरी पर ये बिल्कुल बेकार है। पर मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे खबरदार टीवी पे आना है। तो फिर कोई अच्छी खबर लेकर आओ कल तक। ठीक है, लेकर आऊंगी। तुम नहीं कर पाओगी। मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हें वो बात ही नहीं है। तुम देखते रहना। क्या तुम मुझे उतना ही पसंद करती हो जितना कि मैं तुम्हें? बिल्कुल नहीं। सेल्फ कंट्रोल, आई लाइक इट। Too much. क्या कमाल की मूवी थी ना? हाँ कमाल थी। और जब वो खूनी राक्षस ने उसका पेट फाड़ा, वो तो बहुत ही कूल था। कितना कूल था। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने खूनी खोपड़ी पार्ट 3 देखी। नहीं, हमने नहीं देखी। हाँ देखी ना, याद है मुझे उल्टी आने वाली थी जब वो उस औरत के सर के साथ फुटबॉल खेलने लगे। एक मिनट, ये तो एक अडल्ट मूवी है, तो तुम दोनों को कौन ले गया? इसकी मम्मी, इसके पापा। वो असल में हमने टिकट वाले को 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए और उसने हमें अंदर जाने दिया। क्या कर रहे यार, ये सब कुछ बॉस को बता देगी, और बॉस से मेरा मतलब है मेरी मम्मी को। वो टिकट बेचने वाला बच्चों से रिश्वत लेता है, ये कितनी बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। हाँ पता है, मैं एक ऐसी ही न्यूज स्टोरी ढूंढ रही थी, ये न्यूज स्टोरी मुझे खबरदार टीवी तक पहुंचाएगी, जहाँ मैं स्टार बन जाऊंगी। बिल्कुल मम्मी जैसे बात कर रहे हो। चुप कर, कुछ भी बोलते रहता है। बहुत अच्छा काम किया था नहीं, शाबाश। तेरी बच्चे कितनी डांट पड़ने वाली है तुझे पता भी है क्या? सॉरी यार। सुन, तू ये पिघली हुई चॉकलेट खाएगा? 2 दिन से मेरे जेब में पड़ी है। छी,
चल्ला। ला 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 ला। इमरजेंसी अवतार जी, इमरजेंसी, जूते नहीं मिल रहे हैं। क्या? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर दो। तुमने आखिरी बार जूतों को कहां और कब देखा? जब हम पार्टी से वापस आए तो मैंने जूते उतार के इस बॉक्स में रख दिए और सो गई। और फिर जब मैं बाथरूम के लिए उठी तब मैंने जूते पहने बाथरूम गई और फिर इसी बॉक्स में रखकर फिर सो गई। तुम बाथरूम ये जूते पहन कर गई क्यों? अवतार जी, ये जूते मुझे एक स्टार बना देते हैं। अरे ओ स्टार, आसमान से धरती पे आओ, 8,000 रुपए के जूते हैं, जूतों को ढूंढना पड़ेगा। हाय माँ, हाय पापा। ये निक्की इतनी मैली क्यों लग रही है? अरे हम गार्डन में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे ना, और निक्की एक दो बार गिर गए। वो क्या है ना, इसने हाई हील्स के जूते पहने थे इसलिए। हाई हील्स? कौन से हाई हील्स? ये वाले। कितनी क्यूट लग रही थी वो, मैंने कुछ फोटोज भी ली है, ये देखो। निक्की देखो, मम्मी पापा की आंखों में से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। चलो। हाय दर्पण, कैसे हो? मैं रोहन, पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ केजी क्लास में था। अच्छा? मैं वो लड़का हूँ जो क्लास के सारे क्रेयॉन्स खा जाता था। मैं वो लड़का हूँ जो सारे लड़कियों से पिट जाता था। मैं वो लड़का हूँ जिसने तुम्हारी पोनीटेल काट दी। अब याद आया। कैसे भूलोगे? देखो, मुझे पता है कि उस बात को बहुत समय हो गया है, पर फिर भी मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था। कोई बात नहीं, बहुत पहले की बात है। कोई बात नहीं, मतलब तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? श्योर। लेकिन तुम फिर से तो मेरे बाल नहीं काटोगे ना? कैसी बात? अच्छा सुनो, प्लान ये है, सनी तू टिकट खरीदने जाएगा और रिकी तू ये कैप पहनेगा, इसमें एक कैमरा है जो सारी बातें रिकॉर्ड कर लेगा। मैं ये नहीं पहन सकता क्योंकि मैं टोपी में अच्छा नहीं लगता। चल पहन लेना इसे। पर सनी, मेरे बाल ही तो मेरी शान है। ठीक है, तो अगर तुम दोनों ये नहीं करना चाहते तो मैं तुम दोनों की मम्मी को खूनी खोपड़ी पार्ट 3 के बारे में बता दूंगी, और हाँ पार्ट 1 और 2 के बारे में भी। तुम्हें उनके बारे में भी पता है? नहीं, पर अब पता चल गया। मैं टोपी उल्टी पहन लूं, ज्यादा कूल लगूंगा ना। इसमें अकल थोड़ी कम है, पर इसमें इसके पास ये सारी वीडियो गेम्स है। स्प्रे। ब्रश। मार्कर। समोसा। तो जाएंगे ना? ये ऑपरेशन बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, बिल्कुल आवाज मत करना। हाय मम्मी पापा, क्या हो रहा है? हाय रब्बा, मारे गए क्या? क्या है रोहन? माँ, ये दर्पण है, क्या ये आज रात हमारे यहाँ रुक सकता है?
हाँ ठीक है। रोहन ऐसे लोग कर क्या रहे हैं? क्या पता जूतों के साथ कैच कैच खेल रहे। चलो अब जाओ। दो टिकट खुनी खोपड़ी पार्ट थ्री के। ओ, पर वो तो अडल्ट पिक्चर है ना, और तुम तो मुझे कहीं से अडल्ट नहीं दिखते। तो अगर अडल्ट पिक्चर की टिकट चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज। सनी के पास जाओ। ये लो काम हो गया। क्या हो गया सनी? ये तो पूरा टाइम भूखी मछली का पोस्टर देखते रहा। अरे मैं क्या करता, मछली के हाथ में छुरी और काटा, कितना फनी है ना। अब हमें ये दोबारा करना पड़ेगा और इस बार टोपी मैं पहनूंगी। तुम यही खड़े रहना, हिलना मत। दो टिकट खुनी खोपड़ी पार्ट थ्री के। अरे तुमने अभी तो टिकट खरीदी थी। हाँ मैंने टिकट खरीदी थी, तुमने बेची थी और मुझसे ज्यादा पैसे भी लिए थे। अब फिर से करना है या नहीं? ओके, पर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कितने देने हैं? ये लो दो टिकट। क्या तुमने 11 साल के बच्चे को अडल्ट मूवी की टिकट बेची? क्या मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। तुम्हें पता है, अब सबको पता चल जाएगा। मेरे टोपी कैम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तुम कुछ कहना चाहते हो? क्यों ना मैं तुम्हें भूखी मछली की दो टिकट दे दूं, या फिर तीन। ले लो। पकड़ा क्या? मैं हूँ डॉली सिंह, यूथ रिपोर्टर। याद रखना, जब कोई न्यूज रिपोर्ट करनी हो उसे रिपोर्ट मैं करूँगी, मतलब मैं ही रिपोर्ट करूँगी, इसे मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगी। Good morning. Good morning. तू मुझे शीशा क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि अब हिसाब बराबर है। क्या हुआ? मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। डरावना सपना? किसके बारे में था? थोड़ा स्टूपिड सा था एक्चुअली। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मुझे आधा घंजा कर दिया। वाओ, बहुत ही स्टूपिड था, है ना? चलो नाश्ता करने चलते हैं। हाँ चलो। पता नहीं क्यों आज मेरा सर बहुत हल्का सा लग रहा है। आवाज। तो ये स्टोरी कैसी लगी? ये सनसनीखेज है, मसालेदार भी, इसमें सच भी है और सबूत भी। TVMS JDNT की आज तक की बेस्ट न्यूज स्टोरी। पर मैं ये नहीं बेच सकता। क्या? क्यों? क्योंकि वो टिकट बेचने वाला मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? हाँ, क्या करे, शकल और अकल दोनों मुझे मिल गई, पर उसका खाता खाली का खाली रह गया। पर ये मेरी इंटर्नशिप का सवाल है। और ये मेरे खून का सवाल है। ये गलत है। जिंदगी में बहुत कुछ गलत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कितने घटिया हो तुम। ब्यूटीफुल हो तुम। डोंट गो। निकी, लगता है मेरी रिपोर्टिंग करियर में ना कुछ रुकावट आ गई है। आई, मेरे पैर दर्द से मरे जा रहे हैं। पर माँ, आपने हील वाले जूते काम पे क्यों पहने? क्योंकि ये जूते मुझे स्टार बना देते। मतलब वो दुकान वाले ने जूते वापस नहीं लिए ना? अरे वो तो जोर जोर से हंसने लगा। आओ। वैसे निकी, ये एक अच्छा सबक है कि अगर तुम कुछ बुरा करो ना तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होता है। ये इधर लाओ, इधर लाओ। नहीं मामी, मुझे निकी से कुछ कहना। निकी, मुझे निकी से कुछ कहना। निकी, मेरी अलमारी से दूर रह, समझी तुम? अगर तुमने मेरे जूतों को हाथ भी लगाया तो आई गॉट टू गेट इट।
तो बेस्ट ऑफ लक निकी। नमस्कार, आपका न्यूज में स्वागत है। मैं हूँ डॉली सिंह और ये है निकी सिंह। नमस्ते। आज के मुख्य समाचार। अवतार बिजली कंपनी के मिस्टर अवतार आज काम पर नहीं जा सके क्योंकि हिमानी सिंह का बनाया गया खाना खाकर वो फिर से बीमार पड़ गए। पापा ही भूख गया। थैंक यू मिस निकी। तो दिल्ली कॉलेज में पढ़ने वाले रोहन सिंह आज फुलचंद अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि कल रात को सोते समय उनका पैर अचानक से टूट गया। डॉक्टर अभी भी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिस निकिता सिंह, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? मुझे क्या पता? अपनी बेटी के लाख मना करने के बावजूद अशोक नगर की हिमानी सिंह जबरदस्ती दीवाना परवाना के सेट पर घुस गई, ये कहते हुए कि उनके छूतों ने उन्हें स्टार बना दिया। मम्मा पागल। नहीं, मम्मा पागल नहीं है, बस कभी कभी थोड़ी सी अजीब हो जाती है। तो ये थी आज की सबसे खास खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू एंड गुड नाइट। Thank you.